रश्मि वर्मा ने हवाला दिया है। तो बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। थर्मास खत्म होने से पहले खेला बिहार में शुरू हो गया है। क्या विपक्ष एनडीए से फासले को कम करना चाहती है? क्या है ये सियासी माने? बिहार में थर्मास खत्म होने से पहले खेला हो गया शुरू। बड़ी खबर बता रहा है डीटीवी भारत। सबसे पहले आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं, खेला बिहार में शुरू हो गया है क्या? नरकटियागंज से विधायक रश्मि वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। तो बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। निजी कारणों का विधायक ने हवाला दिया है। एक पत्र उन्होंने भेजा है और उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं अपने निजी कारणों से विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे रही हूं। रश्मि वर्मा नरकटियागंज से बीजेपी की विधायक, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। थर्मास खत्म होने से पहले खेला शुरू हो गया है बिहार की राजनीति में। और यह पहली तस्वीर है क्या? भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बिहार में थर्मास खत्म होने से पहले यह खेला होने की पहली तस्वीर हो सकती है क्या? बीजेपी को बड़ा झटका। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सहयोगी उत्कर्ष। उत्कर्ष, थर्मास खत्म होने वाला है और यह खेला की पहली तस्वीर है क्या? जी बिल्कुल ऋतिक, देखिए खरमास खत्म होने वाला है और कहीं ना कहीं अब एनडीए को जो है एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी विधायक की रश्मि वर्मा, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो अपने पेपर में लिखी है, जो हलफनामे में लिखी है कि अपने निजी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन देखिए सियासत जो है अब लगातार तेज हो गई है। जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि बिहार में जिस तरीके से अफसरशाही हावी है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही थी रश्मि वर्मा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एनडीए के शासनकाल में बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी पहले भी कहा था कि यहाँ पर बिहार की स्थिति जो है वहां पर कहीं ना कहीं अब अफसरशाही हावी है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री भी इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वो बात टल गई थी। लेकिन अब देखिए बीजेपी विधायक है, महिला विधायक है नरकटियागंज से, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब बिहार की सियासत काफी तेज हो गई है। ऋतिक, बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, राजद के बाद सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के पास है और एक विधायक अब कम हो गई है। अब ऐसे में बीजेपी को यह बड़ा झटका नहीं तो क्या? जी बिल्कुल ऋतिक, केवल बीजेपी ही नहीं, जो एनडीए को है उसको भी बड़ा सा कह सकते हैं कि दुर्घटना स्थिति वाली बात हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए पे हम अभी नहीं आ रहे उत्कर्ष, हम यहाँ पर बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी का एक विधायक कम, एक सीट कम, खुद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और निजी कारण क्या हो सकते हैं ये निजी कारण? बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, हम पहले ये समझाए थे कि एनडीए के जो घटक दल है बीजेपी, देखिए उसमें बीजेपी के महिला विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये खरमास से पहले की स्थिति है। और कहीं ना कहीं जो अब बिहार में जातीय आधारित जनगणना और विशेष राज्य के मुद्दे पे जब जेडीयू और बीजेपी अलग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था, क्योंकि बीजेपी भी के कई विधायक है जो चाहते हैं कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो या फिर विशेष राज्य की दर्जा हो। दोनों मांग को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मांगों पर वो सहमत है, लेकिन बीजेपी के कई नेता जो है वो ये नहीं चाहते थे कि बिहार में हो है और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। चलिए वापस आएंगे आपके पास, जरा रोकेंगे, हमारे साथ और अन्य दर्शक जुड़ रहे हैं, उनको भी ये बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में खरमास खत्म होने से पहले खेला शुरू हो गया है क्या? बड़ी खबर, बीजेपी को बड़ा